जय माता दी सभी को। श्री माता वैष्णो देवी कटरा से मैं विजय द्वारिया आज दिनांक 5/2/2024 की बिल्कुल ताजा खबरों में आपका स्वागत करता हूं। पूरे दिन की ताजा खबरों को जानने के लिए हमारे साथ वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक बने रहे, और अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप लोगों तक डेली वैष्णो देवी कटरा से सुबह सुबह इसी तरह से बिल्कुल फ्रेश अपडेट आप लोगों को मिलती रहे। तो चलिए दिन की शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले विजुअल आप देख रहे हैं, सुबह 8 बजे का ये विजुअल है, और आप लोगों को बता दूं कटरा के अंदर जो है मौसम बिल्कुल साफ हो चुका है, और आप लोग सामने देख सकते हैं त्रिकुटा पर्वत के ऊपर अच्छी खासी मात्रा में बर्फ़ देखने को मिल रही है। और साथ के साथ आपको बता दूं यहां से नज़र नहीं आ रही है, लेकिन जब आप अर्धकुंवारी पर जाओगे तो तकरीबन अर्धकुंवारी के आसपास में भी जो भी पहाड़ियां होंगी रास्ते में चलते टाइम आप लोगों को उसके अंदर भी बर्फबारी वहां पर देखने को मिल जाएगी। बाकी कटरा में आपको बता दें धूप निकल चुकी है, और अभी बता दूं सुबह सुबह बहुत ही ज़्यादा एकदम से कड़क धूप निकली थी। हो सकता है दिन के अंदर कुछ बादल छाए रहे, लेकिन जब भी धूप निकलेगी एकदम से कड़क ही धूप निकलने वाली है। पूरे दिन कुछ इसी तरह का आज मौसम रहने वाला है। माँ भगवती के दरबार में जो भी भक्तगण दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, उन लोगों से अनुग्रह है कि उनके साथ अगर छोटे बच्चे और बड़े बुजुर्ग हैं तो उनके साथ अच्छी खासी मात्रा में आप गर्म कपड़े लेकर जाएं, क्योंकि जब आप दर्शनों के लिए वहां पर लाइन में लगते हैं तो आपको नंगे पैर जाना होता है, और वहां पर जो है बहुत ही ज़्यादा मात्रा में जो है ठंड लगती है, जिसकी वजह से बच्चे थोड़े से परेशान हो जाते हैं। अगर इस तरह की परेशानी से आप लोग बचना चाहते हैं तो बच्चों के साथ एक दो जोड़ी सॉक्स कह सकते हैं एक्स्ट्रा लेकर जाइएगा, और वहाँ पर जाने के बाद आप लोग बच्चों को दो दो तीन तीन जोड़ी सॉक्स पहनाएं, और साथ के साथ एक दो लिफाफा जरूर साथ रखें, और जुराब्स के ऊपर आप उन लिफाफों को पहना दीजिए और उनको थोड़ा सा कवर रखें, तो बच्चे बिल्कुल आराम से वहां पर रुक पाएंगे, अदरवाइज बच्चों को वहां पर काफ़ी ठंड लग सकती है। सामने जो विजुअल आपके नज़र आ रहा है ये हेमकुंड एक्सप्रेस का, और 8:35 पे आज हेमकुंड एक्सप्रेस 5 तारीख को कटरा में पहुँच चुकी है। आपको बता दूँ जनरल डब्बे बिल्कुल नॉर्मल आए, और आपको बता दो स्लीपर डब्बों में भी बिल्कुल कोई खास भीड़ नहीं आई है, बिल्कुल जो गाड़ी है एक नॉर्मली किताब से है। लोग बिल्कुल अपने साथ ठंड का पूरा इंतजाम करके कटरा पहुंच रहे हैं, और सभी लोग इसी तरह से बिल्कुल अपने साथ में ठंड का जो है इंतजाम करके ही कटरा पहुंचे। चलिए आपको बता दें कि भवन पर इस टाइम नॉर्मली जो दर्शनों के लिए टाइम है वो सिर्फ आप लोगों को आधे घंटे से कम में ही आप लोगों का नंबर आ जाएगा। प्राचीन गुफा आप लोगों को बता दें 10 बजे के बिल्कुल आसपास खुल जाएगी, क्योंकि बिल्कुल भी रश नहीं है, तो आप लोगों को प्राचीन गुफा से दर्शन करने हैं तो आप लोग 10 बजे के आसपास से लाइन में लग सकते हैं। उस टाइम आप लोगों को तकरीबन 2 से 2.5 घंटे का टाइम लग सकता है। चलिए बात कर लेते हैं अर्धकुंवारी मंदिर की। तो गर्भजून गुफा में अगर आप लोगों को दर्शन करने हैं तो सीधा आप सबसे जाते टाइम ही अपना टोकन लेकर जाए, और आते टाइम आप लोग वहां पर जो है गर्भजून गुफा के दर्शन कर सकते हैं। गर्भजून गुफा के लिए इस टाइम 15 से तकरीबन 20 घंटे के आसपास का समय दिया जा रहा है, और आपको बता दूँ ये टाइम जो है बढ़ चुका है, क्योंकि कल और परसों जैसे सैटरडे और संडे था, जिसकी वजह से थोड़ा सा वहां पर रश बढ़ गया था, तो जिसकी वजह से जो है टाइम तकरीबन 15 से 20 घंटे का दिया जा रहा है। लेकिन आपको बता दूं आज ही नॉर्मल हो जाएगा, और आप लोगों को जो ये टाइम है तकरीबन 10 घंटे के अंदर फिर आप लोगों का नंबर आ जाएगा। चलिए ये भी बता दें अगर आप लोगों को प्राचीन गुफा से दर्शन करने ही है तो आप लोग थोड़ा सा टाइम अपने पास एक्स्ट्रा रखिए, और वहाँ पर जाने के बाद सुबह एक बारी 10 बजे लाइन में लग जाइएगा। तकरीबन आपको 1 से 1.5 बजे तक प्राचीन गुफा खुलती हुई देखने को मिल जाएगी। वहीं बात करी जाए कि जो प्राचीन गुफा है रात के टाइम भी आप लोगों को बिल्कुल 10 बजे के आसपास खुलती हुई मिल जाएगी, तो उस टाइम आप लोग वहाँ पर दर्शन कर सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं ट्रेनों के बारे में। श्री शक्ति एक्सप्रेस बिल्कुल अपने समय से श्री माता वैष्णो देवी कटरा पहुंच गई थी, उसके बाद हेमकुंड एक्सप्रेस ऋषिकेश से चलकर कटरा की तरफ आने वाली हेमकुंड एक्सप्रेस आज 8:35 पर पहुंची है। वहीं उत्तर संपर्क क्रांति की बात की जाए, उत्तर संपर्क क्रांति आज 8:10 पर कटरा पहुंच चुकी है। जम्मू मेल अपने समय से 15 मिनट की देरी से तकरीबन 9:30 बजे तक कटरा पहुंच जाएगी, और वंदे भारत तकरीबन 10 से 15 मिनट की देरी से चल रही है। उम्मीद है 2:10 या 15 मिनट तक श्री माता वैष्णो देवी कटरा पहुंच जाएगी। मालवा एक्सप्रेस तकरीबन 6:40 से लेकर तकरीबन 7 बजे के बीच में श्री माता वैष्णो देवी कटरा पहुँचने की संभावना है।
और बात की जाए स्वराज सुपरफास्ट एक्सप्रेस की, तो आपको बता दें स्वराज सुपरफास्ट आज बिल्कुल अपने समय से चल रही है और उम्मीद है शाम को 5:40 पर बिल्कुल अपने समय पर श्री माता वैष्णो देवी कटरा पहुंच जाएगी। जो लोग श्री माता वैष्णो देवी कटरा आने के बाद तत्काल की टिकट लेना चाहते हैं वो बिल्कुल गाड़ी से उतरते सीधा रिजर्वेशन सेंटर की तरफ चले जाइएगा और आपको बिल्कुल इस टाइम वहां पर जो है तत्काल की टिकटें और बिल्कुल आपको कंफर्म सीटें मिल जाएगी, क्योंकि भीड़ कटरा के अंदर बिल्कुल भी नहीं है। वहां पर आपको लोगों का बिल्कुल आराम से नंबर आ जाएगा और आप अपनी कन्फर्म टिकटें ही कराने के बाद भवन की तरफ रुख करें। चलिए हम उम्मीद करते हैं हमारे द्वारा दी गई हुई जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी, और अगर हमारी जानकारी आप लोगों को पसंद आई है तो हमारे चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। चलिए आज के लिए इतना ही, जय माता दी।